फाइनली गए यार, पहुंच चुके भाई बालू टेंपल में। तो भाई ये बालू टेंपल और राम राम हाँ ये तो गाइस ये होने वाला आज तुम्हारे भाई का स्टे। आंटी की फोटो डाली मैं भी वायरल हो जाऊंगा। एक बात है जो अक्सर दिल में रहती है कि इस दुनिया को आंखों से देखूं या दिल से। जो आंखों से देखूं तो खो जाता हूं और जो दिल से तो बस वहीं का हो जाता हूं। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे पर मैं लेके आया। तो गाइस ये न्यू डिश जो मैं आज खाने वाला हूँ फर्स्ट टाइम। क्या नाम है इसका? इस फूड का नाम है शाक्शुका और ये ऑटोमन उत्तरी अफ्रीका से आया है और इसकी खोज जो हुई है वो है 16वीं सदी में, 16th सेंचुरी में, जो कोलंबस वगैरह मतलब जो थे वगैरह जाते थे तो उस समय वगैरह। और काफ़ी हेल्दी फूड है, आप देखिए ना मतलब प्रॉपर इसमें क्या इसमें है एग। मतलब आपका ऑनियन एंड टमेटो और भी बहुत मतलब काफ़ी सारी चीज़ें डली हुई हैं। फिर इसमें एग डाल के फिर इसको कवर करके इसको स्टीम से पकाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वगैरह, बहुत बहुत ही अच्छा फूड है और प्रीमियम फूड के उसमें गिना जाता है। बड़े बड़े 5-star होटलों में होता है, मैंने भी फर्स्ट टाइम यहीं खाया। वाह, और मैं फर्स्ट टाइम खाने वाला इसको। तो गाइस ये इसमें ब्रेड और ये बगल में टमाटर दे रखे हैं और ऊपर से एग, भाई बड़ा मस्त है। और साथ में चाय आज हमारी के लिए। वाह अरे, तो गाइस अच्छा मन्नू अभी नया डॉग भी इधर एक इनका दोस्त है। इनका दोस्त अच्छा, इनका दोस्त आ रहा है गाइस मन्नू। वाह कैसे बोला छोड़ना यार, रोज ही मिलते रहता है। सो हे हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हो यार आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे गाइस। तो भाई आज हम ट्राई करने वाले हैं भाई शाक्शुका। ठंडा हो गया, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया आज तो भाई। और देखो भाई मौसम बहुत ही मस्त हो रखा है। और ये हमारा कैस्पर, कैस्पर हेलो भाई, डर लगता है जैसे सीधा मुंह लेके आता ऊपर जरा। और भाई क्या बोलते हैं, लैला भाई अपनी दोस्त मन्नू से मिलने जा रखा है, मिलने जा रखी है, जा रखी है दोस्त है। कैस्पर जा नहीं रहा, कैस्पर लड़का है इसलिए जा रहा है। तो गाइस लैला को देखो, लैला अपने दोस्त से मिल के आया तो भाई सुसु करने लग गया। वाह ऐसा क्या था उधर, छोड़ने गया उसको साथ। अच्छा छोड़ने जा रहा है अभी। हां भाई कैसा है, कैसा है मन्नू भाई? होती है हमारी होती है। तो गाइस ये लैला अभी मेरा मत, ये मत खा दियो, नहीं खाएगी, पूछ के खाएगी। सब शिकार रखा है। तो गाइस टेस्ट बताओ कैसा, मैं फर्स्ट टाइम खाने वाला हूँ तो गाइस ट्राई करके देखिए कैसा है। ट्राई करते हैं पर ये दो नहीं 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 आएंगे। कैस्पर तुम खाओगे पहले? कैस्पर ले ला कंप्यूटर, चलो जा। वाह भाई इतना कहना, इतना कहना सुनील भाई कोई मानता है आपका? हाँ ये लो मान लेते। चलो भाई मेरे को खाना भी नहीं आता, मैं ऐसे खाता हूँ। मस्त है गाइस, बहुत मस्त है। मेरी मम्मी अगर ये वीडियो देख रही होगी ना, मम्मी कहेगी तो मैं घर बना लूंगी अब। अच्छा आपने बता दिया ना घर बनाते इसको। नहीं आराम से बना लेंगे वगैरह, और आप लोग भाई बना लोगे। हेलो मेरे को पहचानते हो आप? क्या चाहिए बताओ बताओ, मैं सब। ये क्या, ये लो ये आपका हो गया, ठीक है। क्या करोगे आप इसका, क्या करोगे बताओ? क्या करोगे बताओ? ड्रोन आए, ड्रोन उड़ाए, ड्रोन हाथ कट जाता है। कितना प्यारा हंसती है। ये कौन सा कलर है? हेलो जी वी आर बैक भाई, फिर से स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोटेक राइडर में। तो गाइस मेरा नाम है हिमांशु विष्ट और मेरी एक सीरीज चल रही है, इसका नाम है जांचकार ले लद्दाख राइड। और आज इस सीरीज का हमारा एपिसोड 4 और डे 4 है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से बालू टेम्पल। तो भाई यहाँ से अराउंड 10-15 किलोमीटर की डिस्टेंस में, तो आज हम बालू टेम्पल जा रहे हैं। और भाई आज गाइस हम अपना डॉम से चेंज होके वुडन कॉटेज जाने वाले, तो आज आपको वुडन कॉटेज भी दिखाएंगे। तो भाई आज का ये लुक रहने वाला है तुम्हारे भाई का, तो कैसा जाएगा मैंने जरूर बताना भाई। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, नहा धो के भाई ना गर्मी छीन लगी, इसलिए हाफ शर्ट वगैरह डाल दिए। ऊपर बहुत ही बढ़िया सा बुग्याल में है, बुग्याल भाई बहुत ही बढ़िया सा बालू टेम्पल है। वहाँ बहुत सारे भाई त्रिशूल है, मतलब त्रिशूल है, त्रिशूल दिखाएंगे आपको। और
बहुत मस्त ड्रोन शॉट भी दिखाएंगे गाइस। आज हमारा जीबी में ये लास्ट डे है, तो कल गाइस यहाँ से मैं निकल जाऊंगा मनाली के लिए। तो यार गाइस मेरी सोलो राइड चल रही है, अगर आप लोग भाई अपने भाई को ज्वाइन करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं और हम आपके साथ राइड ज्वाइन कर लेंगे भाई। कहीं भी आप मिलना चाहो मिल सकते हैं, मनाली, जिसपास, रिमकलाज, जांसकार, पदुम, ले, खुदुंगला पास, नुब्रा वैली, पेंगोंग लेक, ओमलिंगला पास, कहीं पे भी। तो यार गाइस रेडी हो चुके हैं दोबारा से। पहले हमने ब्लैक सर डाली थी, तो मैंने सोचा कि यार हम जा रहे हैं बुग्याल में, ग्रीनरी में, तो भाई तुम्हारा भाई चमकना चाहिए ना थोड़ा भैया, फोटो आनी चाहिए, रील वगैरह आनी चाहिए, इसलिए ऑरेंज पहन लिया। और गाइस लुक कैसा लगा कमेंट करके जो बताना, और बहुत सारी फोटोज मैंने इंस्टाग्राम में डाल दी है, तो इंस्टाग्राम में भाई फॉलो कर लेना अपने भाई को, भाई टेक राइडर के नाम से ही है। तो गाइस आज हम जा रहे हैं अपनी चीता से, और सुनील भाई ड्राइव कर रहे हैं भाई, आज अपन है पिलियन राइडर। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं एक लेक पे, और सुनील भाई बता रहे कि एक पवित्र लेक है। रामड़िया सा, तो गाइस मैं कुछ नया सीखा यहाँ पर। रामड़े, रामड़े का मतलब होता है कि आप अच्छे हो, ये ठीक है, हम बिल्कुल बिल्कुल रामड़े। तो गाइस पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन में। तो गाइस ये है बालू टेम्पल। फाइनली गाइस यार पहुंच चुके भाई बालू टेम्पल में। तो भाई ये बालू टेम्पल, और तब तक भाई यहाँ का ड्रोन शॉट देखिए, और भाई व्यू ना बहुत ही मस्त है। यहाँ पर छोटी सी लेक भी है, तो मैं आपको लेक दिखा देता हूँ। तो भाई ये लेक, और गाइस इससे आगे भी है कुछ जाने का, तो वहाँ तिरसुल वगैरह लगे हुए, तो वहाँ भी जाएंगे। तब तक आप ड्रोन शॉट देखिए। तो यार दोस्तों पहुंच चुके हैं हम जहाँ पे भाई मैं बता रहा था कि आपको बहुत सारे त्रिशूल है, मतलब। तो यार गाइस लोग जब अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और मनोकामनाएं पूरी जाती है, तो उसके बाद भाई लोग यहाँ पर ऐसे त्रिशूल लगाते हैं। रामड़िया रामड़िया हाँ ये देखो अच्छा ये भेड़ और भाभी पहली बार इनको पकड़ रहा हूँ, बहुत ज्यादा हल्के हैं, मतलब बकरियां हमारे गांव में बकरियां होती है, बहुत ज्यादा भारी, बहुत ज्यादा हल्की है। अब ये महीने दिन की वीडियो होगी, महीने दिन की नहीं है ना, कोई 15-20 दिन की है। अच्छा 15-20 दिन की है। ओके बाय बाय रामड़े 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 रामड़े। तो यार गाइस मुझे एक आदत लगी है रामड़े रामड़े बोलने, मतलब मुझे नहीं पता था पहले रामड़े बोलते हैं, तमे रामड़े। अच्छा तमे रामड़े, ठीक है आंटी, बाय बाय, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमें, बाय बाय। ठीक करण मर्चे, हां हमारे गढ़वाल में बोलते तो क्या लगी करना, और हिमाचली में बोलते हैं जैसे हमारे बोलते हैं, जैसे हमारे कुमाऊनी बोलते हैं कैसे हो, जैसे यहाँ रामड़े बोलते हैं कैसे हो, हमारे बोलते हैं कस्था
कशा हो तुम बताओ आप रामड़े रामड़े गाइस रामड़े। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके भाई अपनी चीता के पास और भाई अभी हम लोग जा रहे हैं अपने कॉटेज में और आज भाई हम कॉटेज ही चेंज करने वाले। मैंने आपको मॉर्निंग में ही बता दिया था, तो पहले लंच करेंगे और लंच करने के बाद आज हम आपको ले जाएंगे वुडन वाले कॉटेज। तो यार गाइस अपना सारा सामान रेडी है, तो भाई सब कुछ पैक कर लिया हमने। तो गाइस ये भी अपना सारा सामान पैक हो गया, तो भाई अब यहाँ से तुम्हारा भाई चेकआउट कर रहा है और अभी भाई अपन जा रहे हैं वुडन कॉटेज पे। तो फटाफट निकलते हैं और भाई अभी लंच करके गाइस थोड़े से सो गया था मैं। तो यार गाइस अब दिखाते हैं आपको अपना नया स्टेज जहाँ पर मैं स्टे करने वाला भाई वुडन कॉटेज, बहुत ही मस्त है। फाइनली गाइस यार आ चुके हैं भाई और हमारा सामान भाई चले गया आगे और भैया भाई मुझे लेने आ रखे हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप भैया भाई अपने को लेने आ रखे हैं और आज मैं रुकने वाला भाई माउंटेन मैजेस्टी में, जीबी में ही है। तो चलो भैया आगे से चलो आप। चलो तो भाई सामने ही अपने को जाना है। भाई आज तुम्हारा भाई रुकने वाला भाई वुडन कॉटेज में और भाई यहाँ पर मस्सी सेब की खेती भी है और कुछ ये व्यू है भाई। तो गाइज ये होने वाला है हमारा आज का स्टे। तो भाई अपने पैनियर्स पहुंच चुके हैं इधर। तो गाइज ये है रूम भाई। तो गाइज ये वुडन रूम है पूरा। और अच्छा इसके ऊपर भी है जी। अच्छा भाई ये सबसे बेस्ट है गाइज ऊपर। भाई तुम्हारा भाई रहने वाला ऊपर, तो ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा एक बार भाई। तो यार गाइज मैं फर्स्ट टाइम गाइज ना ऐसे वाले मतलब वुडन कॉटेज में आ रखा हूँ भाई। तो गाइज ये होने वाला आज तुम्हारे भाई का स्टे, तो बहुत ही बेस्ट है यार यहाँ पर ऊपर। तो भाई मैं पहली बार रुकने वाला और यहाँ पर से भाई विंडो भी है। हाँ यहाँ से बाहर के नज़ारे भी देख सकते हैं। तो भैया से पूछते हैं भाई प्राइस वगैरह क्या है। भैया प्राइस वगैरह क्या रखा आपने? 2% के लिए 3500। 2% के लिए 3500 इसी उसमें कि सिंगल में? मतलब जब ये ही है जो है मतलब इसका 3500 रुपये है जी। वाह तो गाइज मतलब ये आपको मिल सकता है 3500 रुपये 2% के साथ भाई। मतलब दो ही बाकी फैमिली में होगा तो थोड़ा फिर अच्छा बढ़ सकता है। मतलब अगर बच्चे बच्चे आए फैमिली आए तो मतलब जैसे कॉटेज ना जैसे फैमिली के लिए भी। हाँ फैमिली के लिए। हाँ ये दो है ना। अच्छा तो गाइज बाहर बालकनी भी है तो मतलब सबसे बेस्ट है यहाँ पे। और आपको वॉशरूम भी दिखाता सबसे। अरे वाह गाइज मिरर भी यहाँ पे मतलब रेडी होने के लिए बहुत ही बढ़िया है। और ये है भाई यहाँ का वॉशरूम। तो गाइज गीजर दे रखा अपने को और भाई स्लीपर भी है। मतलब आपको अपने घर से स्लीपर लेके आने की जरूरत नहीं गाइज, यहाँ पर स्लीपर ही मिलेंगे। चले प्रदीप भाई जी चलो। तो गाइज अब बाहर की बालकनी दिखाने का वक्त आ गया है। तो गाइज ये है भाई बाहर पर आराम से बैठ सकते हैं अपन लोग। तो कुछ ये व्यू है यहाँ से भाई। आज मतलब तुम्हारा भाई यहाँ बैठ के भाई वीडियो एडिट करेगा मस्त शाम को, मतलब चिल करने का बहुत ही बढ़िया। गाइज यहाँ पर एक मैप भी बन रहा है जिसमें आप लोग जी भी आ रहे हो तो यहाँ पर घूम सकते हो। फर्स्ट है बालू टेम्पल जो भाई आज तुम्हारा भाई होके आ चुका है बालू टेम्पल। ये भाई चैनी फोर्ट जहाँ मैं कल जा रहा था और मेरी गाड़ी फंस गई थी, ये भाई ऐसा फोर्ट था वो चैनी फोर्ट जो दिख रहा है आपको ये, तो ये था। और है सिरोलेसर लेक। तो गाइज ये जब मैं आ रहा था ये बीच में पड़ता है वहाँ पर था सिरोलेसर लेक जहाँ पर भाई ये जवानी है दीवानी मूवी की शूटिंग हो रही थी। तो गाइज ये रघुपुर फोर्ट ये कहाँ पे है? ये भाई जलोड़ी से। अच्छा हाँ गाइज रघुपुर फोर्ट वहीं पे है ऊपर। और ये भाई जीवी जलोरी पास ये भी ऊपर ही है जहाँ से मैं आया था कल परसों। और ये जीबी वाटरफॉल गाइज यहीं पे बगल में, यहाँ पर से आप वॉकिंग डिस्टेंस में 5 मिनट में आप लोग पहुँच जाओगे जीबी वाटरफॉल। भाई ये आज लास्ट डे है आपके भाई का गाइज जीबी में और कल तुम्हारा भाई यहाँ से मनाली चल जाएगा। तो मेरा मन था कि मतलब बहुत टाइम से कि ऐसे वुडन कॉटेज में रुकने का और भाई ये वाला मैंने सोचा था कि मतलब इसमें ऊपर भी होगा एक नीचे वाला रूम। मैंने सोचा कि नीचे वाला रूम देने वाले भैया मुझे जिसमें भाई सिंगल रूम है वो मैं आपको दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइज ये सेकेंड रूम इसके नीचे जिस जहाँ पे मैं रुका हूँ ऊपर उसके नीचे। तो भाई सिर्फ सिंगल रूम है, एक बेड दे रखा है भाई मस्त अपना सिटिंग एरिया है यहाँ पे। तो यार गाइस अभी तुम्हारा भाई यहाँ पर मस्त अपनी एडिटिंग कर रहा है वीडियो की और भाई अभी ना यहाँ पर लाइट वगैरह भाई मैंने अभी देखी भाई ये बड़ी मस्त चल रही है यहाँ पे। और यहाँ बैठ के भाई मस्त चिल कर रहा हूँ अभी भाई। भैया लोग अभी बॉनफायर कर रहे हैं तो अभी बॉनफायर में चलते हैं मस्त आगे सीखेंगे वो ठंडा सा हो रहा है यहाँ पे। तो गाइस लग चुका हमारा बॉनफायर भाई ये। और ये हमारी आंटी जी, आंटी कैसे हो? बहुत अच्छी बात। बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। और भैया का नाम भूल गया फिर से मैं। प्रदीप 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 भाई। तो गाइस ये हमारा बॉनफायर। फाइनली गाइस यार डिनर आ चुका हमारा और डिनर में भाई आज है मटन राइस सैलेड और है गर्मा गर्म रोटी। सुनील भाई भी अपने कैम से यहाँ आ चुके हैं अपने प्रॉपर्टी से और आंटी जी ने आज मस्त मटन मारा भाई।
आंटी ने मेरे को इनवाइट किया सर। अच्छा ये बटन के लिए इनवाइट किया गया है। बताओ आंटी जी बोल रही पूछो। ये अच्छा था मैं आपको ना कुछ दिखाऊंगा, मैं आपको मतलब मैं जीबी का ना कुछ सर्च करोगे ना कई सारे लोगों ने आंटी की फोटो डाली है। अच्छा मतलब आंटी की फोटो डाली मैं भी वायरल हो जाऊंगा। हां मुझे लग रहा है मैं डालता आंटी की फोटो डालता ना मेरा। अरे आंटी है ऐसा करते हैं। अच्छा आंटी को सब जानते हैं। तो यार आंटी बहुत अच्छी है, तो आंटी ने आज हमें इनवाइट किया यहां पे, तो बहुत अच्छा लगा हमें। आंटी आते बहुत सिंटू मिस कर दिया आपने, सिंटू मतलब बहुत ही सिंटू है। नेक्स्ट टाइम आओगे आंटी भैया का नाम क्या है? फाइनली गए यार डिनर करके आ चुके हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा हैवी डिनर खा लिया आज, तो भाई वीडियो भी एडिट नहीं होने वाली है क्योंकि आ रही है नींद भाई। आंटी ने मस्त मटन बना रखा था और भाई अभी भाई कहाँ है तुम्हारा भाई देख रहे हो भाई, तो यार गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा लिटरली। और भाई तुम्हारा भाई सोने वाला आज इधर, मतलब फर्स्ट टाइम गाइस मैं यहाँ पर सोने वाला हूँ। वाह भाई बहुत मस्त मज़ा आ रहा है। तो गाइस आज की इस वीडियो के यहीं पर करते हैं, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करेगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। बाय बाय।